अभी हमें ये हिमालय भी पार करना है। केदारनाथ से 8-10 किलोमीटर ऊपर आ गया, लेकिन अब भाई यहाँ रास्ते हैं, यहाँ से जिंदा घर चले जाऊं। हम बहुत ज्यादा हिमालय की चोटी पर आगे ट्रैक करते करते भाई का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया। लंबी सांस लो। केदारनाथ से 8 किलोमीटर आगे हम पहुँच गए हैं वासुकी ताल। यहीं पर आपका भगवान शिव जी का वासुकी नाग निवास करता है। महादेव, हर हर महादेव। जी सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रोहित पहाड़ी और इस समय मैं हूँ आपका केदारनाथ में। और आज एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई यात्रा पे मैं निकल चुका हूँ केदारनाथ से आगे उन पहाड़ों की तरफ जिन पहाड़ों पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। यहाँ के लोकल लोग हैं ना, गाँव के लोग हैं, जो पहाड़ी गढ़वाल के लोग हैं, वही लोग जा पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है भैया कि पहाड़ों से पहाड़ों में निकलने के रास्ते कहाँ होते हैं। तो आज मैंने एक टास्क लिया है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन तो मैंने कर लिए थे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो बहुत कम लोग करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि केदारनाथ का जो ये केदार घाटी है ना, इसके पार, इन हिमालयों के पार एक ताल है जिसे वासुकी ताल कहते हैं। और वासुकी नाम भगवान शंकर के गले में रहने वाले सांप का नाम था। और ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर का वो नाग आज भी यहाँ से 7-8 किलोमीटर ऊपर वासुकी ताल में निवास करता है। सावन पूर्णिमा के दिन जब लोग ब्रह्म कमल लेने के लिए जाते हैं वहाँ केदारनाथ में चढ़ाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को वो वासुकी नाग दर्शन देता है। तो सच में आज अंदर से ख्याल आया और सोचा कि यार कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने नहीं किया। तो बस मन मनाया, बैग पैक किया और केदारनाथ भगवान जी की इस केदार घाटी को बाय बाय करके हम निकल गए इन हरे भरे बुग्यालों में। बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं। ऐसा बोलते हैं कि इसके पार भगवानों का वास है, परियों का वास है, और बहुत सारे लोग जो आज से पहले वासुकी ताल के इन चट्टानों के पार गए ना, उनमें से बहुत सारे लोग आज तक वापस नहीं आए। ऐसा बोलते हैं कि उनको देवता अपने साथ लेके ऊपर चले गए, ऐसा बोलते हैं कि कोई राक्षस उनको लेकर चला गया, और ऐसा बोलते हैं कि कुछ परियां उनको लेकर चली गई। लेकिन फिर भी भाई हम ये रिस्क ले रहे हैं। अभी केदारनाथ मंदिर के आसपास ही लोगों का ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, और इस हिमालय के ऊपर तो ऐसा बोलते हैं कि ऑक्सीजन और आपका पल्स लेवल ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो चलो अपने इस एडवेंचर ट्रैक की शुरुआत करते हैं। आज बहुत तगड़ा वाला एडवेंचर होने वाला है। और वासुकी ताल जाने के लिए हमको केदारनाथ से ये नदी पार करनी पड़ती है, मंदाकिनी नदी, और इन पहाड़ों की तरफ आना पड़ता है। ट्रैक नहीं है, कुछ नहीं है, बस अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ पे तो फिर भी हल्की हल्की पगडंडियाँ बनी हुई हैं, आगे जाकर तो पता नहीं हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अभी मात्र 700-800 मीटर ऊपर आए हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल वैसे कम होने लग गया है। अभी ऐसे कितने पहाड़ पार करने हैं, और पता है ऐसी भी कहानियां हैं, मतलब रहस्य में ट्रैक है। यहाँ पे आज तक जितने भी लोग गए ना, उसमें से 80% लोग आज तक वापस नहीं आए। मैं पहुँच पाता भी हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ना अभी से खराब होने लगी है। इस रहस्यमय ट्रैक को करते करते हम हिमालय के इतना पास आ गए भाई। अभी हमें ये हिमालय भी पार करना है, और फिर तो ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इतना ऊपर आ गए, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि केदारनाथ से भी ऊपर 8 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। लोग तो केदारनाथ आने के बारे में सोच के थक जाते हैं। ट्रैक तो ना एकदम से जबरदस्त है यार। ऐसा लग रहा कि यहीं से सतोपंत जाएंगे, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ ना पहुंच जाएंगे। पहले ना रोहित भाई, हमारे यहाँ पे एक कहावत थी कि पहले ना चार धाम का एक ही पुजारी होता था, केदार बद्री गंगोत्री यमुनोत्री, एक ही पुजारी दियाबती या पूजा पाठ में एक ही दिन में। हाँ, कैसे करता था भैया? आपको उस टाइम का जमाना था, लोगों का मानना है। तो भाई ये छोटा सा रेस्ट हम सब लोगों का कम से कम 45 मिनट का ट्रैक कम्प्लीट हो गया है। और ये अपने भाई लोग हैं जिनके साथ मैं इस समय आपका वासुकी ताल का ट्रैक कर रहा हूँ। और मैं एक सजेशन आपको दे रहा हूँ, अगर आप कभी वासुकी ताल का ट्रैक करोगे वैसे तो लोकल गाइड आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो हमारे मित्र लोग हैं लोकल, ये केदार घाटी में ही रहते हैं, ये लोग ट्रैक करने के आदी हैं। जी अभी आपका समय हो चुका है कम से कम 3.5 से 4 घंटा, और ना हम अभी कहीं पहुँचे नहीं हैं, और ट्रैक अब ट्रैक मिलना बंद हो गया भाई। अब ना खड़े खड़े पहाड़ हैं ऊपर को, इन्हीं पर चल के जाना है। हमारे साथ के लोग ना ऊपर पहुंच के ऊपर बैठे हुए हैं। एक टास्क कंप्लीट कर लिया, और
मतलब कि केदारनाथ की एक धार हमने पार कर ली और यहाँ पे ना हरे भरे वो ग्यालों के बीच में अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहुंच गया हूँ। तो भैया जी लो, हमने केदार घाटी से एक जो आपका ट्रैक था वो कंप्लीट कर लिया और हम पहुंच गए खूबसूरत से बुग्याल पे भाई। और यहाँ पे हम लेंगे अब आधे घंटे का आराम। और क्या कह रहे थे आप कि भैया ये जो खाना है इसको खाने से पहले पहले भूमिया को चढ़ाना पड़ता है? देवी देवता रहते हैं उचड़ा, अच्छा उनको पहले चढ़ाना पड़ता है ये देवी। अच्छा हमारे पीछे बहुत सारे देवी देवता भी आते हैं। और पता है ये जो रास्ता है ना ये ऐसे अभी दो तीन पहाड़ और पार करके हम पहुंचेंगे वासुकी ताल और यही रास्ता आपका जाता है गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ के लिए भी। एक पराठा रखा है सामने और सभी लोग उसमें से खा रहे हैं। ऐसे हम 6 पराठे लेके आए हैं। सच में यार इस समय तो ना ये 5-स्टार होटल का काम कर रहा है। हल्का फुल्का खाना वाना खा लिया, पराठे खा लिए एक एक और अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं। और पता है सारी जड़ी बूटियाँ हैं केदारनाथ से ऊपर वासुकी ताल के रास्ते में ना सारी जड़ी बूटियाँ हैं। भाई साहब कहते हैं कि जो हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं लोकल लोग कि इनको छूना मत, हाथ से पकड़ना मत, क्योंकि यहाँ पे कुछ विषैली जड़ी बूटियाँ भी होती हैं तो आपको बेहोश भी होते हो। विक्की भाई ना रास्ते से नहीं जाकर शॉर्ट रास्ते आ रहे हैं। पता नहीं अभी कितनी और चट्टाने पार करनी है। हिम्मत तो नहीं हारा हूँ लेकिन शरीर थक गया बहुत ज़्यादा। हाँ सांस नहीं आ रही है। यह इस वासुकी ताल के रास्ते पे ना बादल आने की वजह से आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैंने एक चीज़ देखी, ये देखो भाई यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आए होंगे, वो लोग मैगी का पैकेट लाए होंगे मतलब कि वाई वाई, और प्लास्टिक उन्होंने यहीं पे ऐसे ही फेंक दिया। तो यार प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको नहीं आना है मत आओ, आप इस लायक नहीं हो मत आओ। प्लीज़ हमारे उत्तराखंड के इन हिमालय को गंदा मत करो, ये पॉलीथीन ऐसे मत फेंको भाई प्लीज़। तो भाई ये जो भी लोग हैं ना भाई जो हमारे हिमालय में ना ऐसे पॉलीथीन फेंकते हैं आपके ऊपर थू है यार थू। अभी जिसने भी आज से पहले जहाँ जहाँ अपने ट्रैक पे हिमालय पे ऐसे प्लास्टिक फेंका है ना उसको अपने ऊपर थू महसूस होना चाहिए। तो भाई भाई को ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई यार, हम बहुत ज़्यादा हिमालय की चोटी पर आगे ट्रैक करते करते भाई का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया। जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, आराम से सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। पानी खत्म हो गया यार, पानी की बोतल थी हमारे पास लेकिन इसमें पानी खत्म हो गया और पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत है अभी। भैया एक बार फिर से ना हमने अपना ट्रैक चालू कर दिया है, उम्मीद है आज रात तक हम सब लोग अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। मेरे साथ के जितने भी सारे लोग हैं ना ये तो ना शॉर्टकट मार रहे हैं और ऊपर चढ़ जा रहे हैं, मैं ना ट्रैक ट्रैक जा रहा हूँ। भाई शॉर्टकट मारने में ना पैर ऊँचे ऊँचे रखने पड़ते हैं और वैसे मेरा बीपी ना बहुत ज़्यादा लो हो गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइट पर आ गया। तो भाई चट्टाने मिल रही हैं, इससे पहले तक ना अभी तक हम लोग बुग्याल के ऊपर चल रहे थे तो चलने का रास्ता था, अब भाई इन चट्टानों पर चढ़ के जाना है। देखो भाई सच में मेरा सपना था 2-3 साल से कि मैं वासुकी ताल जाऊं, बट वासुकी ताल इतना रिस्की है मुझे पता नहीं था भाई। सच लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं अभी 10-20 मिनट बैठते हैं, बाकी हमारा भाई बोल रहा है मैं आगे जाके पानी की तलाश करके आता हूँ आगे जाके हैं। हाँ तो जाके बताना अगर वहाँ उस चट्टान के पार पानी मिल जाएगा तो पक्का बताना ठीक है। एक तुम आवाज मार देना मैं दौड़ते हुए चले जाऊंगा क्योंकि रोहित भाई को बहुत प्यास लगी है। ठीक है रोहित भाई के लिए तो जान भी हाजिर। हे लक्ष्मण सीता को प्यास लगी पानी लेके आओ। जी भ्राता श्री जो आ गया भ्राता श्री। महादेव महादेव अब तो इस ताल के रास्ते भी गायब हो गए भाई, अभी पूरा 6 किलोमीटर हो गया है, 2 किलोमीटर और बचा है उसे कंप्लीट करता हूँ। हर हर महादेव हर हर महादेव। भाई फाइनली सबसे ऊंची वाली चोटी को भी पार कर लिया। मेरे ना अब सर दर्द हो गया, मैं मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिर चुका है, सर में इतना तेज दर्द है, पानी के घूंट की प्यास लगी पड़ी वो भी नहीं मिल रहा है। कहीं पे गंदा पानी मिल जाएगा ना मैं गंदा पानी ही पी लूँगा, बस एक घूंट चाहिए। सच में मुझे लग रहा है ना मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी यार, ये वासुकी ताल का ट्रैक करके केदारनाथ से 8-10 किलोमीटर ऊपर आ गया, लेकिन अब भाई यहाँ रास्ते है ना कुछ है समझ नहीं आ रहा है, बस भगवान यहाँ से जिंदा घर चले जाऊं और कुछ नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है यार। अपनी आंखें खोल के हो जाओ तैयार, ये देखो भाई ओए होए 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 होए, आखिर अपनी पूरी यात्रा पूरी हुई भाई। फाइनली भाई केदारनाथ से 8 किलोमीटर आगे ट्रैक करके हिमालय पर हम पहुंच गए हैं इस रहस्यमय ताल पर वासुकी ताल। और आपको जब मेरे पीछे ताल दिखाई दे रहा है ना यहीं पर आपका भगवान शिव जी का नाग वासुकी नाग
निवास करता है। और भगवान विष्णु जब माता पार्वती और शंकर जी के विवाह में आए थे ना, तो यहीं पे उन्होंने स्नान किया था। और ब्रह्म कमल भी इसी ताल में पैदा होते हैं जो आपका केदारनाथ में चढ़ाए जाते हैं। बारिश हो गई यार, बासुकी ताल पहुंचे ही थे, बस 500 मीटर पहले बारिश शुरू हो गई। सब लोगों ने रेनकोट पहन लिया, ये देखो भाई रेडी हो गए सब लोग। हम सब लोगों ने अब क्या कहते हैं आपका रेनकोट पहन लिए, और रेनकोट पहन के अब हम जा रहे हैं आपका बासुकी ताल की तरफ। पहले वासुकी ताल में जाके प्रणाम करके आते हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु का ताल है बोलते हैं, और वासुकी नाग का ताल है। भगवान विष्णु ने यहाँ नहाया था, और जल को भी भगवान विष्णु ही कहते हैं। पहुंच गए हैं वासुकी ताल में। तो भैया हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय वासुकी नाग, जय वासुकी नाग, हर हर महादेव। और जो नाग भगवान शंकर के गले में है ना वासुकी नाग, ये उसी नाग का ताल है वासुकी ताल। केदारनाथ यात्रा में पहली बार पहुंच चुके हैं वासुकी ताल में, वही वासुकी ताल जो भगवान शंकर के गले में रहने वाला सांप है। और इसी ताल में भगवान विष्णु ने स्नान किया था जब वो माता पार्वती और भगवान शंकर की शादी में त्रियुगी नारायण आए थे। तो भैया अपने 2 साल का सपना पूरा हो गया, हर हर महादेव। और पता है मैं अपने पिछले 2 साल से यात्रा में कितने सारे महादेव टेंपल ट्रैवल कर चुका हूँ, कितने सारे, अभी बहुत सारे टेंपल और बचे हैं, आदि कैलाश से लेके ओम पर्वत और अब क्या कहते हैं तुंगनाथ से लेके केदारनाथ, सारे टेंपल हम ट्रैवल कर रहे हैं। साथ साथ में ही जितने टेंपल के पास में हिडन प्लेसेस हैं, और ये जो लेक है ना ये अनएक्सप्लोर लेक है, बहुत कम लोगों ने इसको ऐसा दिखाया है। तो आपके रोहित पहाड़ी पहुंच गए केदारनाथ के हिमालय के पार 8 किलोमीटर पर इस वासुकी ताल में। तो जय हो वासुकी नाग की, जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव।